महाभारत कालीन कल्पेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है? इस मंदिर का प्राचीन इतिहास चलिए जानते हैं दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, उसके पश्चात गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उपाय जानने हेतु श्री वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने पांडवों से कहा कि कुल घाती कभी भी कल्याण नहीं होता है, लेकिन इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो केदार जाकर भगवान शिव की अर्चना एवं दर्शन करो। व्यास जी से उपदेश ग्रहण कर पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए यात्रा पर निकल पड़े। सर्वप्रथम पांडव काशी पहुँचे शिव जी के आशीर्वाद के कामना से, परंतु भगवान शिव इस कार्य हेतु इच्छुक नहीं थे क्योंकि शिव जी उनसे बहुत ही क्रोधित थे। पांडव निराश होकर वेद व्यास जी द्वारा निर्देशित केदार खंड की ओर मुड़ गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर गुप्त काशी में अंतर ध्यान हो गए और उसके पश्चात कुछ दूर जाकर दर्शन ना देने की इच्छा से भगवान शिव बैल का भेष बनाकर धरती में समाने लगे, किंतु भीम ने उन्हें देख लिया और पीछे से उन बैल का रूप धरे शिव जी को पकड़ लिया। इस कारण से बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया, जबकि चार अन्य भाग चार विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना की गई और शिव मंदिर का निर्माण किया गया। कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर के बैल रूपी अवतार की जटाएं प्रकट हुई थी। कल्पेश्वर मंदिर को पंच केदारों में से पांचवा व अंतिम केदार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा ने इसी स्थान पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या की थी। तब से इस स्थान को कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।